चमक निराड़ी बोसी ची साड़ी ना दे हो जिसकी चमक निराड़ी बोसी ची साड़ी ना दे हो जिसकी चमक निराड़ी जिन वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और आइए वो धम सिंह जिसने डायरेक्ट अंत किया दूसरी बात के माध्यम से सुभाष की भाभी क्या कहते क्या बता भाई चंद्रशेखर आजाद का फोटो चंद्रशेखर आजाद का फोटो ऋषि बिहारी बोसी भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिता हुआ निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए मैं ज्योति हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए मैं ज्योति भी हो
के माध्यम से कहती है कि भारतवर्ष में भगवान श्री राम त्रेता युग में हुए और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने राजा मोहध्वज जैसे दानवीर का सत्य अजमाया, सत्यवादी राजा हरिचंद ने सत्य कारण अपना सब कुछ गवा दिया। आइए तीसरी बात के माध्यम से राम और लक्ष्मण राज छोड़ के, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, राजा हरिचंद सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन तार में सी चढ़ाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन तार में सी चढ़ाते हो, राजा मोर धजी लड़का चिर कृष्ण का सिर झिमाते हो, हिरना कुछ प्रहलाद भगत को लाल खम पकड़ाते हो, हिरना कुछ प्रहलाद भगत को लाल खम पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रम दित कर जाका कष्ट मिटाते हो, राजा भोज विक्रम दित पर जाका कष्ट मिटाते हो, दिन आजादी का हो दिन आजादी सुभाष की भव्य कहती है कि भारत के वो ग्रंथ महाभारत और रामायण और सामने लाल किले पे तिरंगा झंडा हो और सामने तुम्हारा स्वयं फोटो हो। आइए अंतिम बात के माध्यम से सुभाष की भव्य क्या कहती है। भाई महाभारत रामायण गीता, महाभारत रामायण गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामय खड़ा सुभा भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामय खड़ा सुभा भी हो, सरदार सिंह तूफान कह गुरु पृथ्वी सिंह मन से मैं सब ठीक है पहाड़ी पाड़ी बोली सी साड़ी लाते